अस्सलाम वालेकुम जुगनू भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक साहब मेरे पीछे अगर आपको नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ घूमने के लिए आया। ये बड़े यूनिक जैसे मछलियाँ पकड़ रहे हैं नीलम रिवर के अंदर से, और सो ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जैसे वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। आई थिंक इसको कहते हैं डोली वाला जाल, और ये रिस्क में है कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और मैं इससे जानूंगा कि इन्होंने कितनी मछलियाँ पकड़ी और इनके वीडियो भी करूँगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कितना खतरा मॉल के इन मछलियों को पकड़ते हैं। शुक्रिया। ये मेरे सामने एक शख्स है, ये देख सकते हैं आप, ये हाफ रिवर के अंदर है। आई थिंक ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और ये बहुत ही हाईली रिस्की काम है। बट मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ इनकी। ये दरिया की मौजों के अंदर जाल वगैरह आई थिंक डाल रहे हैं, वैसे ये काफ़ी दूर है। ये मैंने 10x पे जूम किया हुआ है, आप देखते हैं इनके नसीब में क्या आता है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कितने डेंजरस एरिया में है। अभी मैं 10x पे जूम करके आपको दिखाऊंगा दरिया की मौजों के अंदर से रिस्क कमाते हुए। बेसिकली ये सारा जो मसला है वो है जी रोटी रोजी का। ये देख सकते हैं आप, हाफ दरिया के अंदर है। अभी इन्होंने ये जाल डाला हुआ है इसके अंदर, अब ये निकालेंगे, देखते हैं इनके नसीब में आता क्या है। ये जाल इन्होंने दरिया के जो है हाफ में डाला हुआ है, और मैं यहाँ वैसे घूमने फिरने के लिए आया तो मैंने देखा ये हाफ दरिया के अंदर थे, जो काफ़ी रिस्क था। रिस्क के अलावा भी आम आदमी अगर इसके करीब भी जाता है तो ये अपने आवाश में घेर लेता है, मौत में, मौत के मुंह में बंदा चला जाता है। एग्जांपल हमारे पास नीलम वैली के अंदर 3 से 4 पड़ी हुई है। अभी उन्होंने जाल डाला है, अभी वो उसको निकालेंगे, देखते हैं इनकी किस्मत में क्या आता है। ये जाल इन्होंने पीछे आके डाला है, पहले इसके ऑफ में थे। ये नीलम रिवर है, अभी ये इसलिए कम हुआ है जहाँ पे छोटा सा आइसलैंड बना है, क्योंकि नशेरी के मुकाम पे ये इसका जो पानी है दूसरी साइड उसको मूव किया गया है, उस वजह से ये अभी कम है। अगर ज़्यादा हो तो इसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। और जो एक और बात है वो ये है गाइस, ये पानी बहुत ही ठंडा है, आप इसके अंदर 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि वो आई थिंक हाईली ट्रेन है, उस वजह से ये जो है इसके अंदर इतनी देर तक खड़े हो रहे हैं। अभी ये यहाँ पे जाल डालेंगे, देखते हैं इनके नसीब में क्या आता है। ये बहुत ही खतरा है गाइस, ओ माय गॉड किधर घुस गए हैं। अभी इन्होंने जाल डाला है, देखते हैं क्या निकालते हैं इसके अंदर से। और आई थिंक इन्हें एक मछली लगी है, वो देखें वो डाला है इनके फ्रंट पे। ये सब मछलियाँ हैं गाइस, अभी ये यहाँ पे जाल डालेंगे, देखते हैं इनके नसीब में क्या आता है। यहाँ पे आइए, इन्होंने जाल डालना है यहाँ पे, देखते हैं गाइस। यहाँ से आई थिंक ये मूव होना चाह रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये हाईली रिस्की है, एक आम आदमी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लास्ट पे कोशिश करूँगा इनसे इंटरव्यू लेने की। ये इन्होंने इधर जाल डाला है गाइस, अब देखते हैं इनके नसीब में आता क्या है। ये इन्होंने जाल तो डाल दिया है, देखते हैं इनके नसीब में क्या आता है। अब ये जाल निकालेंगे, आई थिंक इसको डोली वाला जाल कहते हैं, क्योंकि मैं यूज़ करता था बट मेरे पास दूसरा जाल पट्टी वाला होता था। ये 7 पे इसके मेटल के जो हैं छोटे छोटे डोले लगे हुए हैं, और ये सर्कल टाइप बनाई हुई होती है। अगर आपने क्विक रिस्पांस करना है, ये इन्होंने निकाला है गाइस, आई थिंक लगी है मछलियाँ, ये उन्होंने निकाली है। निकाल के अब ये डालेंगे अपने वो जो फ्रंट पे इन्होंने कुछ लगाया हुआ है वो डाली इन्होंने गाइस, देखिए देखिए। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, ये दरिया की मौजों के अंदर है। मैं दूसरी साइड इनके करीब आ गया हूँ, नीचे आ गया हूँ दरिया के ऊपर। और ये गाइस ये बहुत ही रिस्की है, ये अब जहाँ पर ये घुसे हैं
देखते हैं ये आते हैं बाहर ये नहीं आते, क्योंकि दोनों साइड बहुत ही ख़तरनाक मौजे हैं ले रहे हैं। अभी आई थिंक इन्होंने जाल वहाँ पे डाला और इनसे जाल जो है जाल की रस्सी जो है इनके हाथ से निकल गई है। अब देखते हैं इनको जाल मिलता है या नहीं मिलता और इनके नसीब में आता क्या है वो भी देखते हैं गाइस। देखते हैं अब जाल में क्या आएगा। अभी इनको उसकी डोरी मिल चुकी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी डोरी जाल की ये अपनी टांगों के साथ बांधते हैं या अपनी बॉडी के साथ बांधते हैं। इनके हाथ से जाल की जो एक डोरी थी वो तो निकल चुकी थी, बट इन्होंने नीचे से निकालने लगे हैं, कुछ ना कुछ इनके पास होगा सेकंड ऑप्शन। ये मिल चुका है गाइस, मिल चुका है। देखते हैं अब इनके नसीब में आता क्या है, देखना है गाइस अब आता क्या है इनके नसीब में। ये इनके हाथ लग चुका है, आई थिंक ज़्यादा मछलियाँ हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। गाइस गाइस मिल गया है, मिल गया गाइस, बहुत बड़ी मछली लगी है। देखिए देखिए नीलम रिवर है, आई थिंक ये जाल भरा हुआ है यहाँ से। एक मिनट में जूम करता हूँ फिर देखते हैं क्या है। गाइस वो देखिए मछियाँ ही मछियाँ हैं गाइस, फिश 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 ही फिश। गाइस चेक करें, गाइस चेक करें, गाइस चेक करें, इतनी बड़ी मच्छी नीलम रिवर के अंदर इतनी एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और उसके अलावा इसके अंदर ट्राउट पाई जाती है, आई थिंक इसको रॉश कहते हैं या रोश कहते हैं कुछ कहते हैं इस मछली को, ये कॉमन है। उसके अलावा ट्राउट पाई जाती है, ट्राउट जो होती है डीपली होती है, और डीप के अलावा ट्राउट जो होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजें होती हैं वहाँ पे होती है, लहरों के अंदर होती है और पत्थरों के दरमियान में होती है। गाइस इनको लगी है यहाँ पे 5 से 6 मछलियाँ, और ये अपने फ्रंट जो इन्होंने बनाया है वो उसमें डाल रहे हैं। अब ये नेक्स्ट पैंकिंग के देखते हैं नेक्स्ट इनके नसीब में क्या आता है। ये मौजों के दरमियान में जो बहुत ही ख़तरनाक है, और दोनों ओर इनके दरिया का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये इन्होंने फेंक दिया, आप देखते हैं इधर इनके नसीब में क्या आता है। और लास्ट पे मैं इनसे इंटरव्यू भी करने की कोशिश करूँगा। ये गाइस खाली निकले आई थी, इस बार कुछ नहीं आया इनके हाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है इनके हाथ में, इस बार तो ये खाली आए हैं। अब ये ख़तरे को और मोल रहे हैं गाइस, ये और ख़तरे वाली जगह पे जा चुके हैं। अभी ये पत्थर के आगे हैं, पत्थर के आगे, और दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा गाइस ले रहे हैं। उन्होंने हाईली रिस्क उठाया है, देखते हैं क्या होता है एक्सपेक्ट। आई थिंक यहाँ से भी इनको मछलियाँ लगी हैं, वो ये उधर डाल रहे हैं कुछ उसके अंदर। यस लगी हैं गाइस, रिस्क तो इन्होंने उठाया है रिस्क की खातर, और बट लगी हैं इनको मछलियाँ यहाँ से भी। और देखिए गाइस लोग रिस्क की खातर क्या क्या कर रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं, बहुत रिस्क रोटी की है। ये देखिए अपनी ज़िंदगी को जो है ना ख़तरे में डाल रहा है ये इंसान। अभी ये यहाँ से मूव करेगा, हम देखते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक ले रहे हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। आराम से आराम से आराम से, ये गाइस आप और मेरे पास की बात नहीं है, ये आई थिंक ट्रेन उस वजह से, वरना अगर कोई कॉमन होता तो बचना मुश्किल ही था उसका। ये देख सकते हैं गाइस, ये आगे हैं मेरे पास, ये इनके फ्रंट पे जो है ये बिल्कुल मछलियाँ इन्होंने पकड़ी हुई हैं आज जो। ये अभी इंटरव्यू देने के मूड में नहीं है, कह रहे हैं मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आगे से वापस आके फिर आपको इंटरव्यू दूंगा। और ये गए हैं अभी आगे चले गए हैं, वहाँ पे कुछ कह रहे हैं, वहाँ से वापस आके मैं जो है आपको इंटरव्यू दूंगा। इन्होंने रिस्क तो उठा लिया है रिस्क, और देखते हैं इसका आउटपुट इन्हें क्या मिलता है। और इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़तरे में डाली हुई है रिस्क की खातर।
رزق کمانا آسان بات نہیں ہے، ایک چیز ٹھیک ہے مانگنے سے بہتر ہے وہ اپنا خاموشی کے ساتھ جو ہے رزق کما رہے ہیں، گھر نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے اسی کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، یہ گائز دیکھ سکتے ہیں، ابھی جو دیکھتے ہیں ان کے نصیب میں وہاں سے کیا آتا ہے، اس جگہ پہ مجھے لگتا نہیں ہے مچھلیاں ہوں، بٹ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ان کے نصیب میں، آئی تھنک گائز ایک مچھلی لگ چکی ہے یا نہیں لگی، اچھا انہوں نے سگریٹ لگایا ہوا ہے منہ میں، سگریٹ لگایا ہوا ہے، ابھی دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ کافی ہائیلی رسکی ہے، اب آئی تھنک یہ کلوز کر رہے ہیں، یہ آئیں گے میری طرف، اب میں لوں گا ان سے انٹرویو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ کون سا پروسیس ہے جس سے آپ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں؟ یہ دریا ہے، جال کے ساتھ ہم پکڑتے ہیں، بہت سپیڈ والا دریا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس ہے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اس کے اندر؟ نہیں نہیں، ڈر ہمارا پیشہ ہی ہے۔ اور یہ بتائیں ابھی تک آپ نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں؟ ہم نے پکڑی ہیں تقریباً 6-7 کلو مچھلی پکڑی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ سب مچھلیاں ہی ہیں ان کے فرنٹ پہ جو ہیں، اور یہ ہائیلی رسکی ہے، بٹ کیونکہ ان کا ذریعہ معاش ہی یہی ہے، اور یہ ٹرین ہے، اس وجہ سے اس دریا سے، موت والے دریا سے یہ اپنے روزی روٹی کما رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، مہربانی آپ۔ یہ گائز صبح سے یہ محنت کر رہے تھے، ہائیلی رسک تھا کیونکہ ذریعہ معاش ہی ان کا یہ ہے، تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ نیلم ریور سے جو مچھلیاں پکڑی ہیں اور اپنی محنت کے ساتھ، اور ہائیلی رسکی ہے بٹ کیونکہ ان کا پروفیشن ہی یہی ہے تو پھر اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، سو یہی کام کرتے ہیں۔